नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं कि आलू गोभी की 3 मिनट में सब्जी कैसे बनाएं, झटपट सब्जी। तो हम यहाँ पर अच्छे से गोभी को गर्म पानी में धुल लिए हैं और आलू को धुल के अच्छे से काट लिए हैं। अपने अकॉर्डिंग आप पीसेस कर सकते हो, जिस तरीके से आपको पीसेस करने हैं, जिस तरीके से आप सब्जी खाना पसंद करते हो। तो दोस्तों हम यहाँ पर लहसुन टमाटर और प्याज का पेस्ट बना लिए हैं। तो हम एक प्रेशर कुकर में तेल गरम कर दिए हैं और वहाँ पे डाल दिए हैं जीरा। उसके बाद हम यहाँ पे हींग डाल दिए। हींग हमारे डाइजेस्टिव के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो इसलिए आप हींग ज़रूर डालें। और हम यहाँ पे थोड़ा सा मेथी का दाना डाल दिए हैं और जो मैंने ये लहसुन टमाटर का पेस्ट तैयार कर रखा था उसको डाल दिया है। साथ में ही हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिए हैं। अब इनको तब तक भुनना है जब तक ले मसाले में कलर ना छोड़ दे। तो हम यहाँ पर इंतज़ार करेंगे कि मसाले का कलर और तेल छूट जाए। मसाला अलग हो जाता है, तेल अलग हो जाता है, तब तक हमको इसको लो फ्लेम पे भुनना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कलर हमारा काफ़ी बेहतरीन है। और कुछ लोग कमेंट करेंगे कि आपने हल्दी पहले क्यों यूज कर लिया। हल्दी इसलिए यूज कर ली है क्योंकि हल्दी पहले यूज़ करने से कलर बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही अलग ही टेस्ट आता है। तो हम यहाँ पर कुछ मसाला नहीं ऐड करेंगे, केवल हल्का सा आधा चम्मच हमने मैगी मसाला यूज कर लिया है। उसके बाद हम अपने मसाले को अच्छे से भून लेंगे, सारे सब्जियाँ डाल करके, जो भी गोभी है, आलू है, टमाटर है, जो भी आपके पास है सब्जियाँ, सब उसमें डाल के अच्छे से भून लेंगे। और हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, ये देख लिए हमारा भुन चुका है, अब हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी भी डाल देंगे। मसालों को सब्जियों में मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग स्वाद अनुसार नमक भी डाल सकते हो, आप अपना लो या फिर हाई, जैसे जिस जो खाना पसंद करता है नमक। उसके बाद हम यहाँ पर पानी डाल देंगे। पानी आपको अपने अकॉर्डिंग ही डालना है कि आप ग्रेवी ज़्यादा पसंद करते हो कि थोड़ी सी ड्राई। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा 2 सीटी लग गया है और मैंने गैस को बंद करके और यहाँ पे धनिया की पत्ती डाल दिया है। और बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस था ये सब्जी, और आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लगेगा। ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से जो भी हॉस्टल में बॉयज़ या फिर गर्ल्स रहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, इस तरीके से वो अपने घर पे सब्जी बना सकती हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।